नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ लोग बहुत अच्छे होंगे और ब्रह्मचर्य का पालन आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अगर आपको स्त्री आकर्षण हो जाता है तो उसको किस तरीके से आप उससे छूट सकते हैं। ये अगर आप मेरी कहानी को, दो मिनट की कहानी रहेगी, इसे आप अच्छे से सुन लिए और अपने समझ लिया तो आपको स्त्री का आकर्षण होगा ही नहीं, और होगा तो आप मूव ऑन बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जल्दी कर लेंगे। तो दोस्तों, एक बार की बात है, एक लड़का नॉर्मल गार्डन में टहल रहा था, सही उसको एक लड़की की नज़र पड़ी, दिखते उससे मोहित हो गया, बहुत आकर्षण हो गया। फिर आकर्षण हुआ तो जाके उससे बात करना शुरू कर दिया कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत अच्छी हैं, आप मुझसे शादी कर लो। तो लड़की बोली, आपको मैं जानती हूँ, आपसे कैसे शादी कर लूँ, मुझे सोचने के लिए मोहलत चाहिए। बोली, मुझे एक महीना दीजिए, मैं सबको सोच के बताती हूँ। तो लड़का बोला, ठीक है, एक महीने बाद बताइए। तो लड़की बोली, ठीक है, आपसे एक महीने बाद बात करती हूँ करके। और एक महीने के दौरान लड़की ने जबरदस्ती ऐसी चीज़ें खा ली जिसके कारण उसका पेट खराब हो गया। तो उसे दस्त लग गए, और दस्त जब उसको लगा तो वो जो अपने मल मूत्र है उसको एक घड़े में भर के रखना चालू कर दी। फिर एक महीने बाद वो लड़का लड़की से मिला और उसको देखा तो वो बोला, आप इतनी दुबली पत्ती कैसे हो गई, इतने आप कमज़ोर कैसे हो गई, आपकी सुंदरता कहाँ गई। तो लड़की ने जवाब दिया, आप जिसे खूबसूरती समझ रहे हैं वो खूबसूरती इस घड़े के अंदर भरा हुआ है। तो बोला, ऐसे कैसे हो सकता है, आपकी खूबसूरती इस घड़े में कैसे भरी है। तो अब बोली, ये लीजिए, आप घड़ा पकड़िए। तो बोला, घड़ा पकड़ा, वो घड़ा गलती से स्लिप के नीचे गिर गया। फिर समझ रहे हो ना उसके अंदर कितनी बदबूदार और गंदी चीज़ है। तो फूटा तो फिर दुर्गंध फैल गया पूरे वहाँ का। नहीं तो लड़का फिर चिकता चिल्लाते अपने घर निकल गया। तो दोस्तों, आप जिसे आकर्षण समझ रहे हैं वो मिथ्य है, झूठा है, वो सिर्फ आपके शरीर का आकर्षण हुआ है। अगर उस शरीर के आकर्षण से पूरा निचोड़ के कुछ चीज़ निकल जाए तो वो दुबला पतला सुखड़ा सा कमज़ोर दिखने वाला मरगिल्ला सा जैसा हो जाएगा। फिर उससे आपको आकर्षण होगा क्या, नहीं होगा ना। जिससे आपको आकर्षण हुआ है वो एक मिथ्या था, झूठ था। तो उस लड़के ने बोला, आज के बाद मैं किसी लड़की को शारीरिक तौर पर देख के पसंद नहीं करूंगा। और वह गुरुकुल गया और गुरुकुल में वह उसने ब्रह्मचर्य की शिक्षा ली। तो दोस्तों, इस तरह उसके जीवन में बदलाव आया। तो दोस्तों, लेकिन आप घर बैठे भी ब्रह्मचर्य की शिक्षा ले सकते हैं, और हमारे ब्रह्मचर्य ऐप को जरूर सब्सक्राइब करें, यहां आपको ब्रह्मचर्य की शिक्षा मिलती रहेगी। और इसमें देसी फिटनेस के भी रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूं। तो दोस्तों, मिलता हूं आपको ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।